हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में जो ना ही सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि खेल की दुनिया में भी महारत हासिल की। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नागालैंड स्टेट के एक बड़े खिलाड़ी डॉक्टर टियाओ के बारे में। डॉक्टर टियाओ का जन्म 28 जनवरी 1918 को नागा हिल्स में हुआ था, जो आज चांगकी गाँव नागालैंड का मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट में है। उनका पूरा नाम डॉक्टर तालिमेरन आओ है। उनके पिता रेवरेंड सुबंगवती आओ नागा लोगों में पहले क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट थे। उनके माता का नाम माउंग संगला चंकीलरी था। उनकी हाइट थी 5 फीट 10 इंचेस। बचपन में उनका एडमिशन मिशन स्कूल इमपुर में हुआ। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई क्रिश्चियन हाई स्कूल जोराट से किया। बचपन से ही उनकी रुचि खेल कूद में थी। जोराट क्रिश्चियन हाई स्कूल में वो फुटबॉल खेल में बहुत अच्छे थे। 1937 में उन्होंने गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ वो पढ़ने के साथ साथ खेलने में भी इतने अच्छे थे कि उन्होंने इंडिविजुअल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ट्रॉफी 3 साल तक अपने नाम किया। कॉटन कॉलेज में पढ़ने के दौरान वो आसाम के महाराणा क्लब के स्ट्राइकर थे। एक बार उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उनको खेल और पढ़ाई में किसी एक को चुनना था। एक तरफ उनका ISC फाइनल एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था और दूसरी तरफ फुटबॉल मैच जो उनके कॉलेज और मुरारी चंद कॉलेज के बीच होने वाला था। अगर वो फुटबॉल मैच खेलने जाते तो वो अपने आखिरी एग्ज़ाम ना देने के कारण फेल भी हो सकते थे, जिससे नागा समाज को बहुत ठेस पहुंचती, क्योंकि उस समय टियाओ के अलावा कोई भी अन्य नागा स्टूडेंट्स साइंस नहीं ले रहे थे। फिर भी उन्होंने खेल को चुना क्योंकि वो अपने कॉलेज को हारते हुए नहीं देख सकते थे। उनकी टीम ने मुरारी चंद कॉलेज की टीम को 1 गोल से हरा दिया और वो जीतने वाला गोल टियाओ ने किया। उनका प्रदर्शन इतना अच्छा था कि उनके कॉलेज से उन्हें पास करवा दिया गया ताकि उनके करियर में कोई बाधा ना आए। उनके पिता का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। 1942 में उन्होंने RG कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में एडमिशन किया। 1943 में वो मोहन बगान एथलेटिक्स क्लब के मेंबर बने। वहाँ उनका पहला मैच मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के अगेंस्ट था, जहाँ ग्राउंड में उनका पोजिशन सेंटर हाफ में था। उनकी टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा था और उन्हें जीत हासिल हुई। फुटबॉल के अलावा वो दूसरे गेम्स में भी ऑलराउंडर थे। 1946 और 1947 में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कई सारे इंडिविजुअल चैम्पियनशिप ट्रॉफीज जीते। 1948 में हुए समर ओलंपिक्स में भारत को पहली बार मौका मिला। उस समय टियाओ को कैप्टनशिप का कमान सौंपा गया। पहला मैच था बर्मा के अगेंस्ट। जब भारत की टीम खेलने मैदान में उतरी तब सब लोगों ने देखा कि वो सब बिना बूट्स के खेलने आए। तब सब भारत का मजाक उड़ाने लगे। जब कैप्टन टियाओ से पूछा गया कि वो सब बूट्स पहनकर क्यों नहीं आए, तब उन्होंने सीधा कहा, वी प्ले फुटबॉल नॉट फुटबॉल। पहला मैच में भारत ने बर्मा को हरा दिया, पर दूसरे मैच में फ्रांस के अगेंस्ट उन्हें कामयाबी नहीं मिली और फ्रांस ने उन्हें 2-1 से हरा दिया। 1950 में हुए दुरंत कप में टियाओ मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के कैप्टन थे। उनके टीम ने सब मैच अच्छा किया, पर फाइनल में हैदराबाद पुलिस के अगेंस्ट उनकी टीम को कामयाबी नहीं मिली। वो 1-0 से हार गए। टियाओ ने 1950 में MBBS कोर्स पास किया और डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार के पद में ज्वाइन किया। 1953 में उन्हें नागालैंड ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो कोहिमा में असिस्टेंट सर्जन बन गए। बाद में उन्हें सर्जन बना दिया गया। 1968-69 के दौरान वो ऑल इंडिया फुटबॉल सेलेक्शन कमेटी के मेंबर थे। 1972 में उन्हें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का मेंबर बनाया गया। 1978 में उनका हेल्थ सर्विसेज से रिटायरमेंट हो गया और वो रिटायरमेंट से पहले नागालैंड के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर थे। 1998 में उन्हें सीजनल इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर उन्हें दिमापुर से कोहिमा के हॉस्पिटल में भेजा गया और आखिर में नागा सिविल हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया, जहाँ 1960s के दौरान वो सिविल सर्जन थे। उनके मृत शरीर को दिमापुर के खैर महल के नागा सेमेट्री में दफनाया गया। 2002 में उनके सम्मान में मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब ने मोहन बागान रत्न अवार्ड नाम का एक अवार्ड रखा और डॉक्टर टियाओ को उसी अवार्ड कमेटी में लाइफ मेंबरशिप दिया। असम के कालीबोर में एक आउटडोर स्टेडियम और कॉटन कॉलेज में एक इनडोर स्टेडियम उनके नाम पर रखा गया। 2009 में यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस एंड डोनर BK हेंडिक ने पहला डॉक्टर टियाओ फुटबॉल ट्रॉफी दिमापुर के DDSC स्टेडियम में करवाया।
डॉक्टर टियाओ के जीवन से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर टैलेंट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।